हालत खराब है। बिल्कुल नहीं सड़ती, बिल्कुल नहीं सड़ी। आज ये पर्व कई ये दौड़े ये गजू बना जे वरे थोड़ो को इलाज कीदो जे सड़ी है। डॉक्टर साहब आवे जे थोड़ा इलाज करे जे करे रियो बगे। हां जय गोमाता जय गोपाल। दोस्तों इस बार श्रावण बहुत अच्छा था, बारिश बहुत अच्छी थी। चारा आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे पाली जिले में ढोला गांव है, यहाँ पर हूँ अभी मैं, तो चारा खूब है। पर ये बीमारी जो अभी हुई है, इस बीमारी के कारण गाय चढ़ नहीं पा रही है। भगवान ने जिस साल चारा दिया, पिछले दो साल जब बारिश कम थी तो चारा बिल्कुल नहीं था, पर इस साल इस बीमारी के कारण ये पूरे गाँव की गाय, इसमें से आप अधिकतर गाय देखो, थोड़ा जूम करके बताओगे तो ये देखो आप बिल्कुल खुड़ा के चल रही है, ये भी जैसे हालत खराब है। यहाँ पे हर गांव में ये स्थिति है, बहुत विकट स्थिति है। ट्रीटमेंट के लिए हम सभी भी जितना हो सके प्रयास कर रहे हैं। आपको भी हर गांव के युवा को आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने गांव की गायों की ट्रीटमेंट आप सभी को मिलकर करने होंगे, क्योंकि हर आदमी से पहुंचना संभव होगा नहीं। हर गांव का व्यक्ति अपने गाँव की जिम्मेदारी लेगा तभी गाय को बचा पाएंगे। ट्रीटमेंट में जब बुखार होता है तो बुखार की दवाई दे, और बाकी से भूख लगने की दवाई है, इस तरह की दवाई जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करे वैसी दे। इसके अलावा आयुर्वेदिक उपचार, जैसे आप समझिए कि कोरोना में जैसे काढ़े आप लेते थे, उस तरह के कम ऐसी मात्रा जो गाय को गर्मी ज़्यादा करे वो चीज़ें ना देकर आप करें, उससे गाय को फर्क पड़ रहा है और गाय में ताकत आ रही है। हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ भी जैसे पहुँच के ट्रीटमेंट करने के लिए, तो यहाँ गाँव में भी आए तो जोधपुर से दवाई वगैरह लेके आए थे। हर आदमी की सीमा होती है, हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं पहुँचने की, पर आप सभी को आगे आना पड़ेगा। दोस्तों बहुत विकट हालत है, देख रहे हैं ना ग्राउंड के ऊपर जो स्थिति देखते हैं, जब इन सभी से गोपालकों से बात होती है तो सब लोग मतलब इतने चिंतित है, विचलित है। गाय का दूध टूट जाता है, गाय की हालत खराब हो जाती है, बिल्कुल टूट जाती है। इस गांव में तो एक युवा गजेंद्र के आगे बढ़ने के कारण गाय बच पाई है, बाकी अगर कोई आगे नहीं आएगा तो हर गांव में 50-60-100 गायों की मृत्यु होनी बड़ी संभव है। तो आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बात पर अब ज़्यादा बोलो उसका कोई आशय बनता नहीं है, क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम एक मैसेज आप तक पहुँचाए। तो एक मैसेज के रूप में पहुँचा रहा हूँ कि सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, सब मिलके काम करें हर गांव के लिए। जय गुरु।